उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफस्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुख करते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस से बेहद नाराज, कानपुर में एएसपी व सीओ सहित 11 पुलिसकर्मी निलंबित। नरसिम्हा राव के लिए बदली कांग्रेस की भावना, सोनिया गांधी ने पहली बार की प्रशंसा। अनुच्छेद 370 व 3 तलाक की बरसी पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित करेगी भाजपा। राजस्थान का सियासी संग्राम, हाई कोर्ट ने तय किए 13 सवाल, जिसके आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। भारत को हथियारों की सप्लाई तेज करेगा इजराइल, राजनाथ सिंह ने इजरायली समकक्ष से की बातचीत। इंदौर को अभी एडवांस कोविड-19 परीक्षण मशीन के लिए करना होगा और इंतजार। केंद्र सरकार ने दी असम बिहार समेत 9 राज्यों को टेस्ट तेज करने की सलाह। कर्नाटक में राज्य सरकार का फैसला, कोरोना वायरस अस्पतालों में लगेगी मेडिकल छात्रों की ड्यूटी। चुनाव आयोग ने कहा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान उचित वक्त पर। पूरी लद्दाख से सेनाएं जल्द और पूरी तरह से हटाने पर भारत चीन राजी। जर्मनी में 781 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, कुल आंकड़ा 2,04,964 तक पहुंचा। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के एकता नगर क्षेत्र में एक बार फिर पति द्वारा की गई पत्नी की हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी। पुलिस ने शव का पंचनामा भर आगे कार्रवाई में जुटी। सबा करीम का इस्तीफा, बीसीसीआई ने मंगाए महाप्रबंधक खेल विकास के पद के लिए आवेदन। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म देख फैंस हुए इमोशनल, कहा मैं और मेरा परिवार रो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म का कमाल, IMDB पर मिली 10/10 रेटिंग। अब तक लेते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।